चलिए, तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं तो इंडेक्स का फॉर्मूला और उसके साथ में मैच भी हम यूज करेंगे। अभी एक एग्जांपल देखेंगे, फिर उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है। अभी तक हमने बखूबी वी लुकअप का यूज किया। वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप वैल्यू। वी लुकअप तब काम करता है जब कोई डेटा या कोई वैल्यू हमें वर्टिकली फाइंड करना हो। उदाहरण के तौर पर कोई भी नामांकन नंबर डालें तो नाम आ जाए, पिताजी का नाम आ जाए, माताजी का नाम आ जाए, जेंडर आ जाए, एनी। यानी यदि इस फील्ड के आधार पर आप इधर की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये बखूबी दे देगा। यदि आपको नाम के आधार पर उसका कोड चाहिए तो यहाँ ये इंडेक्स पॉइंट होगा और इधर की वैल्यू देगा। हम ये चाहते हैं कि नाम के आधार पर किसी का नामांकन दे दे, एनरोलमेंट दे दे, तो वी लुकअप काम नहीं करेगा। और ये बखूबी आप देख सकते हैं किया इस प्रकार का प्रैक्टिकल आपने, है ना। वी लुकअप हमें इधर की वैल्यू, कॉलम इंडेक्स पॉइंट के इधर की वैल्यू नहीं देता, वर्टिकली इधर की वैल्यू देता है आगे की। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कोई सी भी वैल्यू मिल जाए, तो एक एक प्रोसीजर तो हमारे पास डीगेट का फॉर्मूला है। किया था अपने ऊपर प्रैक्टिकल डीगेट का, किया तो था। तो डीगेट में क्या होता है, हम असाइन करते हैं एक तो फील्ड जिसका भी हमें वैल्यू चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर एक फील्ड ले लेते हैं, फिलहाल के लिए हमें मोबाइल नंबर से इनरोलमेंट निकालना है किसी का भी, वो यूनिक होना चाहिए। मोबाइल नंबर तो इसमें है नहीं, डेट ऑफ बर्थ का वैसे इसमें कॉलम है ना। तो डेट ऑफ बर्थ से हमें इनरोलमेंट नंबर निकालना है, तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का कॉलम रखेंगे, यहाँ पर उसकी वैल्यू देंगे और यहाँ इनरोल हम रख लेते हैं। हमने ये मोबाइल के मामले में एक्सेस भी किया था। यहाँ हम असाइन करेंगे डी गेट, ठीक है, डेटाबेस। तो ये हमारा पूरा डेटाबेस हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। कॉमा बोल रहा है फील्ड, तो फील्ड किस फील्ड का आपको डेटा चाहिए, तो बोले हमें इस फील्ड का डेटा चाहिए, तो हमने ये दिया। कॉमा क्राइटेरिया क्या है, तो बोले ये हमारा क्राइटेरिया है, तो डीओबी यहां पर भी लिखा होना चाहिए, देन उसका फिर जो भी वैल्यू है वो। जब हम ये देते हैं, एंटर करते हैं, अब यहां पर हमने किसी का भी डेट ऑफ बर्थ दिया, 2 जून, 2 जून 1999 ये हमने दिया। अभी तो इसमें एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि डेटा, हाँ नहीं वो तो खुद कर देगा, फॉर्मूला तो खुद कर देगा, बस वैल्यू एक्सेस करने में ही थोड़ा सा इश्यूज इसमें रहता है। हम ऐसा करके देख सकते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू 1 डाला और यहाँ पर कोई वैल्यू 1 डाला। अब इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, कस्टम फॉर्मेट हो गया, तो इसको हम जनरल लेते हैं। ये वैल्यू आ जाना चाहिए था जो इसने एक्सेस नहीं किया है। सबसे पहले हम इसमें देते हैं डेटाबेस, कॉमा फील्ड, फील्ड में हमने एक फील्ड हमें देना है एनरोलमेंट नंबर, कॉमा क्राइटेरिया। ये दे दिए, एक फील्ड देना है कि इस फील्ड में से पूरा हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो 1 का 20 बना जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ पे हम 1 जुलाई 2002 ये आ गया, लेकिन ये किसी एक का आया। एक तो चीज़ है, हम सभी का चाहते हैं, हालांकि इसमें इधर का भी आ गया, लेकिन हम ऑटोमेटिक चाहते हैं। ऑटोमेटिक चाहते हैं मीन सेंस कि यदि हम हमने अपना जो प्रोजेक्ट वर्क बनाया था, हम थोड़ा सा उस पे जाएंगे, ये वाला हमारा
रिसिप्ट पेमेंट वाला मेथड है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोर्स आ रहा है, ठीक है, यानी इस पूरे डेटाबेस का यूज ओनली कौन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन वाले, क्योंकि इसमें कोर्स है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा रोचक बनाना चाहते हैं, रोचक में ये कि स्कूल चाहे तो स्कूल करे और इंस्टीट्यूट चाहे तो इंस्टीट्यूट करे, यानी यहाँ इस फील्ड में कोर्स सिलेक्ट करें तो सारे कोर्स आ जाए और क्लास सिलेक्ट करें तो सारी क्लास हो जाए। यानी चेंजेस क्लास सिलेक्ट कब करेंगे, जब ये स्कूल के लिए यूज होगा, कोर्स कब करेंगे, जब ये इंस्टीट्यूट के लिए होगा, ठीक है, और जब क्लास आए तो क्लास की फीस, हर क्लास की, यानी फीस वाले पैरामीटर पर ये फी रिसिप्ट हो गया, फी रिकॉर्ड आई थिंक इसमें होगा, ये हमारी फीस है कोर्स की। हम चाहते हैं कि यहीं पर एक पैरामीटर बना दे क्लास का, किस क्लास की क्या फीस है, तो जो इंस्टीट्यूट क्लास के लिए इसका यूज करेगा उसका इसी डेटाबेस पे से उठा करके वो क्लास देगा, 1 से 12 तक की, नर्सरी से 12 तक की। जो कोर्स के लिए करेंगे वो सारे कोर्स अपने डिफाइन करके फिर डिफाइन कर देंगे, वो हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक हम चाहते हैं कि जिसमें भी हम यूज करना चाहें तो कर सके। वहां पर हम मल्टी फील्ड चाहते हैं तो उस मामले में, हालांकि उसको हम डिगेट से भी मल्टी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, पर थोड़ा सा हल्का पेचीदा हो जाएगा, उसकी अपेक्षा आसानी से आप इसकी जगह इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। इंडेक्स क्या करेगा, कहीं से भी कोई भी वैल्यू फाइंड करवा सकता है, शो करवा सकता है, और बिना कोई एक्सेस पॉइंट, यहां पर डिगेट पर वैल्यू चाहिए तभी वो देगा। इंडेक्स क्या करता है, कोई वैल्यू नहीं, वो इस कॉलम के मान को उठा करके देने का काम करता है। जैसे हमें नामांकन नंबर चाहिए तो हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे, सॉरी असाइन करेंगे इक्वल इंडेक्स, इंडेक्स अरे बोल रहा है ये, तो हमारा अरे मतलब पूरा रो कॉलम, पूरा डेटाबेस, तो यहां से यहां तक का पूरा डेटाबेस, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा अरे सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपसे मांग रहा है कि किस रो की वैल्यू चाहिए और किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो हमारा मान कहाँ है, तो हमारा फर्स्ट सेकंड में है, तो सेकंड हम देंगे, यानी दूसरा रो। क्या चाहिए, नामांकन चाहिए तो फर्स्ट, ये सेकंड, जबकि वी लुकअप में जिसको हमें, जिसके बेसिस पर वैल्यू फाइंड करवाना उसको हमें इंडेक्स पॉइंट बनाना पड़ता है, यानी फर्स्ट कॉलम वही रहेगा, जबकि इसमें पूरा सेलेक्ट कर लिया गया, किसी का भी वैल्यू उठा लो आप, आपको तो देना है रो और कॉलम की संख्या। तो हमने दूसरा रो और दूसरा कॉलम यानी 2,2 कोष्टक बन, एक और मांग रहा है ये कॉलम नंबर के अलावा एरिया नंबर, तो एरिया नंबर तो आप 0 कर देना, कोष्टक बन एंटर, शायद एरिया नंबर देने की जरूरत ही नहीं है हमें, हम तो बस रो कॉलम दे दें, ये दे दिया, यानी दूसरे रो और दूसरे कॉलम में क्या वैल्यू है वो दे देगा। यहां पर उसको ये मतलब नहीं है कि किस फील्ड के आधार पर एक्सेस करना, उसको तो ये मतलब है कि किस कॉलम और किस रो का आपको वैल्यू चाहिए। हमने यदि यहां पर इस फॉर्मूले को सभी पर खींचा, ऐसे लागू किया, ठीक है, तो 20 के बाद 16 आ गया, 18 आ गया, 33 आ गया। अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जब आप किसी फॉर्मूले को सभी पर लागू करके खींचते हैं तो इसमें डेटाबेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, A1 से L51 तक, तो यहां पर चेंज हो जाएगा, यानी यहां पर कहाँ से सिलेक्ट किया, A2 से, फिर यहां पर कहाँ से सिलेक्ट किया, A3 से, तो ये तो हमारा मान चेंज हो गया, और जब मान चेंज हो गया तो ये वैल्यू सही नहीं आनी चाहिए, लेकिन वैल्यू तो सही आ रही है। अब देखो यहां पर यदि हम देखें तो रेंज चेंज हुई है, तो ये A1 है और ये L5 है, तो L5 तो बाद की प्रोसेस है, A1 है, A1 से सिलेक्ट किया, तो A1 से सेकंड रो कौन सा है, ये है, लेकिन यहां पर सिलेक्शन हुआ A2 से, तो A2 से सिलेक्ट किया, तो इसका सेकंड रो कौन सा है, क्योंकि ये वैल्यू हम जो असाइन करते हैं वो चेंज नहीं होती है जब रेफरेंस जनरेट होता है तो। और यही कारण है कि जब हमने खींच करके इसको आगे बढ़ाया तो हमें जो मान चाहिए वही आया, क्योंकि उसके लिए सिलेक्शन, यदि यहाँ ये लॉक होते हैं तो ये फिर मान एक जैसा आता, ठीक है, तो यहाँ पे तो अच्छा काम कर रहा है कि हमें कोई लॉक करने की आवश्यकता ही नहीं लगी फिलहाल के लिए। इसमें हम थोड़ा सा ये चाहते हैं कि हम जिस भी फील्ड को सिलेक्ट करें उस पूरे का डेटा यहाँ पर आ जाए। अभी हमने दिया यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर असल में नहीं दिया हमने,
हमने इनरोलमेंट लिया है, लेकिन हमने ये कहा कहा कि इनरोलमेंट दें, हमने यहां पर कहा कि दूसरे कॉलम की वैल्यू दे। यदि आपने यहां पर किया तीसरे कॉलम की, तो ये तीसरे कॉलम की वैल्यू आएगी, ठीक है। जब आप इसको खींचेंगे तो ये नाम आ जाएंगे सभी के। तो हम चाहते हैं कि जब चाहे तब इनरोलमेंट नंबर, जब चाहे तब नाम आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हमें यहां पर एक और फॉर्मूले पे काम करना होगा, और वो फॉर्मूला है हमारा मेज का। अब मेज क्या करता है वो हम देखते हैं। इंडेक्स में रो और कॉलम दोनों तरफ चलता है, और फिर किसी सेल की वैल्यू उठा करके ये देता है, जबकि जो मेज है ये या तो आपका रो में चलेगा या कॉलम में चलेगा। तो इसमें मेज लुकअप वैल्यू, आपको किसे लुकअप करना है उसे आप दें, और फिर जैसे हमने ये वैल्यू दे दिया, एक्सेलेरेटर दे दिया, इसे हमें लुकअप करना है, फिर आप दें लुकअप अरे। कहां से आपको लुकअप करना है, बोले हमारा अरे ये है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, बोले यहां से हमें लुकअप करना है। कोष्टक बंद करेंगे, एक और यहां पर कॉमा लगाकर मैच का टाइप पूछेगा कि कैसे मैच कर रहा है, इससे छोटा लेस देन जो वैल्यू थी उससे, यानी वन से जीरो से एग्जैक्ट मैच करेगा, और माइनस वन से ग्रेटर देन में ये मैच करेगा। तो हमने कहा एग्जैक्ट मैच करें, तो जीरो देंगे, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। अब यहां पर कोई फील्ड नहीं है, हमने यहां पर फील्ड दे दिया फिलहाल के लिए नेम। तो बोला कि नेम जो बैठा है यहां पर, डेट का फॉर्मेट है, हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, बोले तीसरे पॉइंट पे बैठा हुआ है नेम। देखिए 1 2 3 जो रेंज सिलेक्ट की उसमें नेम कहां मिला उसको, तीसरे इंडेक्स पर। यदि आपने ऐसे सिलेक्ट करेंगे और कोई नंबर देंगे तो उसका पॉइंट एक्सेस पॉइंट बता देगा कि ये यहां पर बैठा हुआ है। अब देखिए इस नेम की फील्ड का पोजीशन इसने बता दिया। यदि इस 3 ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, यहां पर आप जो भी टाइप करेंगे, यहां पर आपने नेम दिया नेम आ रहा है। यदि यहां पर आप देंगे डीओबी तो डीओबी का पॉइंट इंडेक्स पॉइंट बता देगा 9। और इस वाले फॉर्मूले में क्या दे रहे हो, इस वाले फॉर्मूले में इसका नंबर ही दे रहे हैं कॉलम का। यदि कॉलम नंबर हमें ऑटोमेटिक मिल जाए तो सीधी सी बात है जिसका हम फील्ड लेंगे उसका वैल्यू आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो हमने यहां पर ये 3 की जगह पर हम असाइन कर दें इसका वैल्यू सेल एड्रेस M2, ठीक है। और इसको सभी पे लागू करेंगे तो हम इसको लॉक कर देते हैं, क्योंकि सभी पे लागू होगा सेल एड्रेस चेंज हो जाएगा। ये तो हमने सेल एड्रेस दिया, तो हमने इसको लॉक कर दिया, देन इसको हमने खींचा, ये सभी की डेट ऑफ बर्थ आ रही है। अब आप नेम नहीं चाहते, आप क्या चाहते हैं, सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहते, आप चाहते हैं नेम। नेम टाइप करिए, ये सभी के नेम आ रहे हैं, क्योंकि उसका पॉइंट कौन दे रहा है, मैच। मैच ने उसके कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स चेंज होते ही सब ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो एक फील्ड नहीं, ये मल्टी फील्ड दे रहा है, और इसका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं कि कहां से, कहीं से उठा लीजिए आप उस वैल्यू को दे देगा, जबकि वीलुकअप वर्टिकली ही चलेगा। तो जहां पर आपका वीलुकअप काम करना बंद कर दे वहां इंडेक्स को कॉल करें। इसका यूज जहां हमने ईच लुकअप किया था फीस वाले मामले में, फीस रिसिप्ट में अभी खुला है हमारा, ये तो हमारी यही फाइल है, ये वाली फाइल, इसमें फी रिसिप्ट, इसमें हमने यहां पर, ठीक है, यहां से इस वैल्यू में हमने लगाया हुआ है एज लुकअप। अभी इस ये प्रोटेक्टेड सीट है, हम इसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। ये एज लुकअप, इसकी जगह क्या लगा सकते हो आप, ना मेज, इंडेक्स थोड़ी ना, मेज लगेगा, इंडेक्स तो ज्यादा वैल्यू आएगा, आपको मेज चाहिए, मेज देना, क्योंकि आपको कॉलम का नंबर चाहिए, और जो है मेज है वो कॉलम की पोजीशन बताएगा, तीसरा कॉलम चौथा कॉलम। तो इसका यूज करने से हमारे डेटाबेस में एक बेनिफिट ये होगा कि हमने जो 1 2 3 पॉइंट खींच रखे थे इसमें डेटाबेस में, वो हमें यहां पर नहीं बनाने पड़ेंगे, ये वाले लोग, ये आप बनाना चाहे नहीं चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। इसमें हमने दिया था तब जाकर के वीलुकअप ने इस रो की में क्या वैल्यू वो फाइंड किया था। यदि मेज का फॉर्मूला लगा देंगे तो उसका कॉलम नंबर खुद ही देगा कि इस रेंज में कौन सा है, और वही नंबर हमें चाहिए रहता है। तो हम कहां से पूरे डेटाबेस में सेलेक्ट करेंगे तो उसकी पॉइंट पोजीशन वो बता देगा कि ये है, ठीक है, क्योंकि ये डेटाबेस और हमारी फी रिसिप्ट का डेटाबेस ये वाला दोनों समान होना चाहिए। तो आप एक तो मेज का यूज यहां पर कर सकते हैं, दूसरा यूज भी हम देखेंगे फिलहाल के लिए।
अभी हम पहले मैच को पूरा कर लें इंडेक्स मैच में। अब हमने यहां दो अलग अलग जग लगाया, लेकिन हमेशा नहीं करना, हमें तो एक साथ चाहिए। तो हम यहां पर जो हमने नंबर दिया एम टू और फिर लॉक किया, इसकी जगह पर ही क्यों ना मैच को असाइन कर दे। मैच लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू जिसको भी हम फाइंड करना चाहते हैं वो हम देंगे, कॉमा लुकअप अरे, ये लुकअप अरे हो गया हमारा सारा फील्ड, ठीक है, और ये हमारा लॉक हो जाएगा और ये भी हमारा लॉक हो जाएगा, ठीक है, एंटर। अब यहां पर आप ड्रॉप डाउन बना लीजिए, शायद इसमें ड्रॉप डाउन पहले से बना है, एनरोलमेंट नंबर, L2 में मान है तो ये सभी के लिए रहेगा। हमने उसके इंडेक्स पॉइंट की वैल्यू नहीं दी शायद, एग्जैक्ट मैच करें, ये आ गया। अब हम यहां जो फील्ड चाहते हैं ठीक है वो फील्ड यहां पर आ जाएगी। अब इसका एडवांटेज हमारे डेटाबेस में कैसे, हम स्कूल मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में इसका यूज कैसे कर सकते हैं, उस वाले मामले पर हम चलते हैं यहां पर। तो यहां हमारा फी स्ट्रक्चर है, ये फीस रिकॉर्ड है, और इस फी रिकॉर्ड में कोई वैल्यू तो नहीं है इसमें, डिस्टर्ब हो जाए। यहां पर या तो यहां पे यदि ये इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट आप लिख दीजिए, या कोर्स और क्लास से डिफाइन कर सकें तो हम यहां पर क्लास डिफाइन कर देते, क्लास और फी तो इसमें भी रहेगा, क्लास हम डिफाइन कर देते हैं इसमें नर्सरी LKG UKG फिर फर्स्ट, इस प्रकार से, ठीक है, ज़्यादा निकल गया ये, और इनकी जो भी फीस होगी वो हम डिफाइन कर देंगे 5,500 फिर 6,000। ठीक, ये कोर्स की फीस है और ये क्लास की फीस है। इसका यूज हम कहाँ चाहते हैं हम डेटाबेस में फिलहाल देख लें। डेटाबेस में क्या चाहेंगे कि यदि यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है कोर्स तो कोर्स की फीस आ जाए और क्लास तो क्लास, यानी यहाँ सॉरी यहाँ तो सही है पर यहाँ भी तो कोर्स क्लास आए, चेंज हो जाए कहाँ से कहाँ तक की क्लास है, फिलहाल तो यहां हम टाइप कर देंगे पर हम फीस चाहते हैं। हालांकि वी लुकअप से उठा सकते हैं ये चीज, तो वी लुकअप तो इसमें लगाई है, और कोर्स सेलेक्ट करें तो उसकी ही वैल्यू आ जाए, क्लास तो हमारी कौन कौन सी क्लास है और कोर्स तो कौन कौन से कोर्स है, हालांकि इसमें इंडिविजुअली बना हुआ है हमारा मामला। फ्री शिफ्ट में देखें, फ्री शिफ्ट में हमारे एक कोर्स है, यहां हम देख सकते हैं इसका प्रैक्टिकल। यदि इंस्टीट्यूट हो तो हमारा कोर्स आए, और यदि स्कूल हो तो हमारी क्लास आए, ये हम प्रैक्टिकल, हालांकि उसको वहां पे भी करेंगे ठीक है आगे, पर आप यहां पर ऐसा इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इसका यूज कैसे करें। तो ऐसे मामले में हम यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्कूल और इंस्टीट्यूट चाहते हैं तो ये कोर्स के साथ में
यहां फिर हम कर देंगे इंस्टीट्यूट, और यहां हम कर देंगे क्लास, सॉरी स्कूल। ठीक है, अभी हम फीस की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, अभी हम इंस्टीट्यूट ले तो सारे कोर्सेस आए, और स्कूल हो तो ये सारी क्लासेस आए कि किस क्लास में बच्चे की आप स्लिप बना के देंगे, वो हम यहां पर चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी ड्रॉप डाउन है फिलहाल, तो यहां हम एक ड्रॉप डाउन बना रहे हैं इक्वल इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट टाइप करते हैं डेटा में डेटा वैलिडेशन लिस्ट, यहां पे हम टाइप कर देंगे इंस्टीट्यूट कॉमा स्कूल। ठीक है, ओके करें, यहां हमने यही बनाया ना, तो ये इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट हो तो यहां पर इंस्टीट्यूट की वैल्यू आए, यही चाहते हम, यानी कि इसमें, लेकिन सारे नहीं चाहते हम, एक पॉइंट पे चाहते हैं, लेकिन ड्रॉप डाउन उसका चाहते हैं, एक इशू इसमें आएगा, तो इसको अभी फिलहाल कहीं और निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं फिलहाल, या यहां ना निकल, क्योंकि यहां पर ड्रॉप डाउन है, हम पूरी लिस्ट ऐसे नहीं चाहते, ड्रॉप डाउन में तो एक एक आएगा, पर हम यहां से चाहते हैं, तो हम यहां से सिलेक्ट करें और यहां आए, तो यहीं पर हमारे फी रिकॉर्ड वाले मामले में ही हम एक कहीं जगह पर वैल्यू असाइन कर लेते हैं, तो यहां पर भी हम इक्वल देंगे, और यहां पर वैल्यू कहां से उठाएंगे, यहां से ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू इंस्टीट्यूट जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगी। ठीक है ना, अब यहां हम लगाएंगे इक्वल, पहले तो लगा लेते हैं हम इंडेक्स का फॉर्मूला, इंडेक्स, इंडेक्स में अरे पूरा होता है ऐसा, ठीक है ना, कॉमा रो की वैल्यू, तो रो तो हमारा क्या होगा, थ्री होगा, लेकिन इसमें सेकंड है तो हमें इसको बराबर लेवल पे लेकर के चलना पड़ेगा, नहीं तो इसमें चाहेगा तो उठा के रख देंगे, अभी फिलहाल हम टू ले लें, टू रो एंड कॉलम कौन सा, तो कॉलम हम मेज से डिफाइन करेंगे, यानी क्या असाइन करेंगे, मेज लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, ये वाली कॉमा लुकअप अरे, लुकअप अरे हमारा ये वाला है, कॉमा एग्जैक्ट मेज करें कोष्टक एंटर, ठीक है, वन आया, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां से डिलीट, हो सकता है कि इसका कहीं यूज होगा तो वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, वन टू हमने पहले लिख रखे थे, क्यों लिखे थे वो तो उस समय की बात है ना, तो फिलहाल तो अब हम थोड़ा चेंजेस किया है तो उसको भूल करके इसको आगे बिठा देते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट वाले मामले में आ गया है डीसीए। ठीक है ना, और इसी प्रकार इसको हम खींच देंगे, तो ये सारे कोर्सेस जाएंगे, हेजना भी आ रहा है इसमें बखूबी, और यदि हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है स्कूल, तो यहाँ फीस वाले मामले में आ जाएंगे स्कूल सारे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो फिर रिसिप्ट में जाएंगे, यहाँ हमने ड्रॉप डाउन बना रखा था कौन सा कोर्स, ये तो आ रहा है लेकिन ऊपर तो स्कूल है हमारा, हालांकि अब ये फॉन्ट सेम है, तो पहले फॉन्ट कुछ और बनाया होगा, अब हम फॉन्ट का कलर कर देते हैं रेड के ऊपर वाइट दिखाई देगा, और अलाइनमेंट कर देते हैं हम सेंटर, चलेगा स्कूल के लिए जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हम वही डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट हमारा है ही, लेकिन अब हमारा लिस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और चेंज में कहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक है, देन ओके, तो ये हमारा स्कूल के हिसाब से सारी क्लास आएगी, लेकिन इंस्टीट्यूट यदि आपने सेलेक्ट किया
तो यहां पर कोर्स आएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच का यही नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से आप संशोधन कर सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला पता नहीं कैसे अभी तक छूट गया, ये बीच में ही आ जाना था, तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता था। पर हम बोर्ड को भी विलोकप और इनमें ही एक मेज मिस हो गया। ठीक है, बाकी ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो नया वर्जन 365 दिया है उसमें एक्स लुकअप यूज किया है, इसमें एक्स लुकअप नहीं है। और एक्स लुकअप यानी वी और एच के लिए हम बात करें तो वी वर्टिकल चलता है, एच हॉरिजॉन्टल पे चलता है, और इन दोनों को मिला जुला एक्स है। एक्स मतलब इधर भी चारों कोनों से कोई भी उठा कर। ये नए वर्जन में है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले आ गए हैं नए वर्जन में, पर आपको कंडीशन को समझना है, क्राइटेरिया को समझना, आप इसमें क्या कर सकते हैं उसे समझना चाहिए, उसके बेहे पर आप काम कर सकते हैं। हमने एक प्रोजेक्ट वर्क दिया था और उस प्रोजेक्ट वर्क में ये मॉर्निंग वाली बैच के स्टूडेंट ने बनाया है। अब ये इसका प्रेजेंटेशन भी देंगे नेक्स्ट क्लासेस में। पूरा डेटाबेस उन्होंने तैयार किया है, यहाँ एंट्री होगी शायद, एंट्री एडमिशन जॉब में, तो एडमिशन ना करके हमने इसको ज्वाइनिंग करवाया है। पूरा अटेंडेंस शीट के आधार जैसी प्रेजेंट लगेगी, ऑल पेमेंट, इनको ऑल रिसिप्ट असाइन कर दिया इन्होंने, ये ऑल पेमेंट है, पेमेंट की स्लिप, और ये ऑल पेमेंट, पूरा टीए डी एच आर सबका। ये हमने इसमें हमारा जरा सा भी नहीं, अभी सिर्फ क्लिक किया है, हमने ध्यान रखिएगा, ये पूरा उन्होंने बनाया, इसका पूरा वो प्रेजेंटेशन देंगे, इसको यूट्यूब पर लोड करेंगे। तो आपने क्या बनाया इस बेसिस पर, वो आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार रखें और सब स्टूडेंट को देना है, और वही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। गुरु दक्षिणा, एक फीस तो आप देते ही हैं, दान देते हैं, फिर दक्षिणा देते हैं ना, हम 100 रुपये ना देते हुए 101 रुपये देते हैं, 51 रुपये देते हैं, तो 50 रुपये हम दान के देते हैं और 1 रुपये दक्षिणा का। तो अब दान तो आपने दे दिया हमें, फीस दक्षिणा क्या, तो दक्षिणा में हमारे प्रोजेक्ट वर्क है जिसको आपको देना है, इसके बिना ये सुना है, फीस मायने नहीं रखाती, काम मायने रखता। जब उन्होंने इस प्रकार का दिया तो हमने कहा कि ठीक है, आपने हमें बताया है, अब आप इसको रिप्रेजेंट करिए। अधिकतर बेच में उसमें बनाया है, कितने ने बनाया है वो एक दिन में क्लियर होगा, और हर एक का यूट्यूब पे आएगा और वो हमेशा पब्लिक रहेगा, आपने अच्छा वर्क किया है और होना भी चाहिए, हम दिखा सके कि हमारे स्टूडेंट इस काबिल हैं कि उन्होंने बनाया है और अच्छा बनाया है, जो कमियां उन कमियों तक जाए। ठीक है,